ठीक है. कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, यू थॉट दिस इज द प्रेजेंटेशन अबाउट द रिस्ट वॉच, दिस इज नॉट अ प्रेजेंटेशन अबाउट, दिस प्रेजेंटेशन अबाउट लाइफ एंड लाइफ बिगिंस विद टाइम. समय जो शुरू हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था? बिग बैंग थ्योरी, सब कहते हैं ना, कब एक ब्लास्ट हुआ हो और उसके बाद से यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा हो टाइम बाय टाइम, और उसी से जो है हम, हमारा जो अस्तित्व है, इवन हमारी जो पृथ्वी है, आप सभी को पता है कि पृथ्वी पूरे यूनिवर्स में बहुत मॉलिक्यूलर फेज में, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर, बहुत छोटा, ठीक है. उस पृथ्वी के अंदर भी हम और छोटे, हमारे छोटे, हम इतने साइज हमारा छोटा है, उस छोटे साइज के अंदर भी हम टाइम को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, बनाते हैं. टाइम इज अ पैरामीटर वेयर आप हर चीजों को डिवाइस, मतलब डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, बिकॉज हर चीज जो है वो टाइम के अनुसार में बंधी हुई है. अच्छा, टाइम के साथ अगर स्पेस नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट टाइम एंड स्पेस, ओनली टाइम रहे तो टाइम का कोई अस्तित्व नहीं, ठीक है. साथ में जब तक स्पेस नहीं आएगा तब तक आपको उस टाइम की वैल्यू का पता नहीं चलेगा. स्पेस मतलब क्या होता है, जैसे आप अगर ब्रह्मांड को देखें तो हमारे आकाशगंगा में क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर काट रही है, उसका एक परफेक्ट टाइम फ्रेम है, 365 डिग्री में वो एक चक्कर काटती है और 24 घंटे में अपने एक्सिस में वो स्पिन होती है, ठीक है. ये तो बहुत बेसिक सा फंडा है, लेकिन उसका भी एक फिक्स टाइम है. उसी तरह से हमारा सूर्य भी ब्रह्मांड के एक चक्कर काटता है, ठीक है, जो कि करीब 12,000 कुछ साल का होता है. वो एक रोटेशन जो है हमारी आकाशगंगा के, एक रोटेशन वो लगाता है अकॉर्डिंग टू हमारे पृथ्वी का जो टाइम का पैरामीटर है उसके हिसाब से. 12,000 1400 कुछ साल लगता है, तो उसका एक पैरामीटर है, वो मैं नंबर भूल गया, वो हमारे एस्ट्रोलॉजी में सबसे बेसिक जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, समय, समय के ऊपर एक बहुत सुंदर सा उसमें लेक्चर भी है, ठीक है. तो इसी तरह से जब हमारे पास कुछ अस्तित्व है, कोई शेप है, आकार है, उस आकार को ही हम स्पेस कहेंगे, आधार जिसको हम कहते हैं. उस आधार के ऊपर जब हम टाइम के साथ कनेक्ट करते हैं तब हमें वो चीज मटेरियलाइज होती है, सामने दिखती है. जब इनमें से कोई एक गायब हो जाएगा तो दूसरे का अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है. इसलिए टाइम एंड स्पेस का होना आपको यह एहसास दिलाता है कि आप कितना ज्यादा मैनेज कर पाएंगे अपने टाइम को, कितना अच्छे से यूज कर पाएंगे अपने टाइम को. अब देखो, टाइम के बाद अब आता है, इसमें टाइम में मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज का की बात बहुत अच्छे से की गई है. ये हमारे वेदों में भी है, जिसको पुरुष और प्रकृति कहते हैं. पुरुष जो होता है वो स्थिर होता है, ठीक है, प्रकृति जो है वो चलायमान होती है, ठीक है. तो यहाँ पर हम, अगर हम बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, सूर्य जो है वो स्थिर है अकॉर्डिंग टू हमारे सातों ग्रह और सूर्य को केंद्र मान के चले, और पृथ्वी जो है वो उसके चक्कर काटती है, यानी वो चलायमान है. तो मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी जब हमारे घड़ी के साथ कनेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज किसी मेल ने ऐसी वॉच पहनी है जिसके अंदर जो डिजाइन है या उसके अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो थोड़ा फेमिनिन डिजाइन का है. वो हम पढ़ेंगे आगे कि फेमिनिन डिजाइन और मस्कुलिन डिजाइन को कैसे हम लोग डिवाइस करते हैं उसको. लेकिन अगर किसी मेल के घड़ी में, मेल वॉच में, और उनके अंदर का जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा फेमिनिन है, तो उस व्यक्ति का व्यवहार जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहेगा, दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहेगा. एट द सेम टाइम अगर किसी फीमेल के हाथ में ऐसे घड़ी है जिसमें बहुत मस्कुलाइन उसका स्ट्रक्चर बना हुआ अंदर, तो ऐसे फीमेल का व्यवहार जो है वो थोड़ा सा कड़क होगा, ठीक है, हार्ड, हार्श टाइप, ठीक है. और ये दोनों क्यों जरूरी है, देखो किसी भी चीज में अगर आप दोनों को कनेक्ट नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा. जो अभी भी मैंने कहा कि पृथ्वी चलायमान है और सूर्य स्थिर है, बिना सूर्य की एनर्जी से पृथ्वी नहीं घूम पाएगा. अगर सूर्य नहीं है तो
तो फिर पृथ्वी किसी काम का नहीं रहेगी। तो इसी तरह से फेमिनिन और मस्कुलिन को हम मर्ज करके ही लाइफ में यूज करते हैं, और आने वाले समय पे हम इस चीज को ही पढ़ेंगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर फेमिनिन और मस्कुलिन का, मैं बता देता हूँ। हमारे बॉडी में आप सबको पता है कि जो हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट साइड है वो, सॉरी राइट साइड है वो मस्कुलिन होता है, और लेफ्ट साइड जो है वो फेमिनिन होता है, ठीक है। तो जब आप राइट हैंड साइड में कुछ भी पहनते हैं, सपोज राइट हैंड साइड में कभी आपने किसी ने, जैसे हमारे पूजा पाठ होती है तो हमारे को सुरक्षा धागा पहना जाता है, रक्षा धागा कहते हैं इसको, ठीक है। हर एक चीज जिसको भी आप हाथ में पहनते हैं उसका एक अलग रिजल्ट आता है, चाहे वो धागा पहने हो, कई लोग हाथों में कड़ा पहनते हैं, ठीक है, डिफरेंट मेटल का कड़ा पहनते हैं, लोहे का, चांदी का, तांबे का, और आज के डेट में तो क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा आ गए। तो क्रिस्टल हमेशा कहा गया कि बाएं हाथ में पहनना। क्यों बाएं हाथ में पहनना, पहनने के लिए कहा गया, लेफ्ट हैंड हमारा फेमिनिन एनर्जी है और लेफ्ट हैंड का कनेक्शन हमारे राइट ब्रेन के साथ होता है, इमोशनल स्टेट्स के साथ होता है। तो जहां पर हम क्रिस्टल पहनते हैं तो क्रिस्टल की जो इफेक्ट है हमारे इमोशंस के ऊपर बहुत डीपली जाता है, बहुत इंटरनल तक जाता है, जिस वजह से उस क्रिस्टल की एनर्जी जो है हमारे लाइफ में फिर इम्पैक्ट देने लग जाती है। ठीक उसी तरह से जैसा कि मैंने कहा कि रिस्ट वॉच में जो क्वार्ट्ज होता है उसका एक अपनी अपनी एक एनर्जी होती है। जैसे राइट हैंड में अगर आप काला धागा पहनते हैं, ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या होता है उसका, किसी को आइडिया है? कुछ लोग काला धागा पहनते हैं, कुछ लोग लाल धागा पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, उसका इम्पैक्ट कभी आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया है, सोचा है, देखा है अपने साइड से? नोबडी, बस पंडित जी ने पहना दिया, पहन लिया, आगे नहीं सर, सोच। पंडित जी जैसे मेल को राइट हाथ बोलते हैं आगे करने को और फीमेल को लेफ्ट को करते होंगे, वो राइट, कोई एक रहता होगा इसका पर्पस, यस यस, उसी का है पर्पस ना? वही तो क्योंकि है मस्कुलिन हम लोग फेमिनिन राइट एनर्जी, बढ़ाते हैं तो कहते हैं आप अपना लेफ्ट टू बायां राइट। बढ़ाओ, उनको दायां। हाँ यस उतना बस यस, सर नोटिस किया है, वो क्यों किया है वो नहीं बट पूछा कभी। नहीं, उसका कोई ना कोई तो, देखिए वही जो आपने बोला ना, लॉजिक तो जा रहा है इसमें, फीमेल के लिए अलग एंड मेल के लिए सर अलग, है ना? तो काला धागा पहनने के बाद आप लोग खुद ही ये नोटिस करना, एक बार एक्सपेरिमेंट के लिए काला धागा पहनना है, छोटा सा पतला एक ही धागा पहनना, आप देखोगे ना बहुत ज्यादा कर्मठ हो जाते हो, बहुत ज्यादा टास्क ओरिएंटेड हो जाओगे, बहुत ज्यादा काम काम काम, फोकस फोकस फोकस, अपने काम पे फोकस, बाकी सारी चीजें जो है ना साइड में, मतलब अपना काम अपनी ड्यूटी ये बहुत वैल्यू करेगा, फिर आदमी फालतू का समय बर्बाद नहीं करेगा, और ऐसा आदमी थोड़ा ना कड़क भी दिखेगा, क्योंकि काला काला रंग किसको कहते हैं, शनि का, ठीक है। जब आप राइट हैंड के में शनि को स्थापित कर रहे हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिक वो गुण आ जाते हैं कि आपको मेहनत करनी है, आपको काम करना है, अपने ड्यूटीज को पूरा करना है, ठीक है। ठीक उसी तरह जब हम लाल धागा पहनते हैं तो लाल धागा किस चीज को दिखाता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाला, स्टेमिना को इम्प्रूव करता है, सिक्योरिटी, मतलब ऐसा व्यक्ति सबसे पहले अपने और अपने फैमिली के सिक्योरिटी के बारे में सोचने लग जाता है, उसे काम भी ऐसे हो जाता है, ऊर्जावान ठीक है। बन जाते हैं, ऊर्जावान। मैं सो रहा हूँ।